इनकी फ्रिज के डोर के रिफ्लेक्शन में खुद को देखने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने पीछे किसी की इमेज फ्रिज के डोर में नजर आती है। घबराकर वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे अपने पीछे कोई नजर नहीं आता। लेकिन दीवार पर खून से बनी एक स्माइल जरूर दिखाई देती है। रिंकी के मुंह से चीख निकलती है और वो दौड़कर अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। रिंकी की सांसें उखड़ रही थी। अपनी सांसों को संभालते हुए वो जैसे ही दीवार की तरफ देखती है, उस दीवार में एक चेहरा उभरता हुआ उसे नजर आता है, जिसके होठों पर वही खौफनाक स्माइल थी। मेरा दिमाग खेल रहा है मेरे साथ, ये सब मेरा वहम है, कुछ नहीं है यहाँ। आई थिंक आई नीड इंजेक्शन। रिंकी बेचैन होकर अपनी इमरजेंसी किट ढूंढने लगती है। तभी उसे अपने पीछे अनुज इंजेक्शन हाथ में लिए खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर रिंकी चीख कर वहां से भागने लगती है। तभी भागते हुए उसके हाथ में कुछ देर पहले तक कुरियर से आई तस्वीर लग जाती है, जिसे हाथ में उठाकर वो अपने घर के बाहर भागती है और गाड़ी लेकर सड़कों पर यहां वहां दौड़ाने लगती है। अचानक उसे कुछ सूझता है और वो गाड़ी अनुज के घर की तरफ ले लेती है। आप अर्जुन की पत्नी हैं, कुछ बता सकती हैं वो अचानक ये सब कैसे करने लगा? अचानक नहीं, उसे काफी समय से मेंटल इश्यूज थे। उसकी आंखों के सामने उसके पापा की मौत हुई थी और तभी से उसे एंजाइटी और डिप्रेशन हो गया था। काफी ट्रीटमेंट कराया तब जाकर वो ठीक हुआ, लेकिन फिर अचानक उसकी बीमारी बढ़ गई। एक्चुअली अर्जुन कॉलेज में प्रोफेसर थे, उसके एक स्टूडेंट ने उनके सामने ही सुसाइड कर लिया था और तभी से उसके साथ फिर से ये सब शुरू हो गया। स्टूडेंट का नाम क्या था? आदित्य ठाकुर। रिंकी किसी तरह उस आदित्य का पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि जो चौथी फोटो उसके पास कोरियर से आई है वो आदित्य की ही है। आदित्य के बारे में कुछ और चौंकाने वाली बातें सामने आई थी और वो ये थी कि अनुज की ही तरह आदित्य भी पहले डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों से सफर कर चुका है। एक बात पूछूं आपसे, क्या आपके घर में कोई ऐसा था जिसकी मौत आदित्य की आंखों के सामने हुई हो? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। रिंकी आदित्य की माँ से बात करके जाने लगती है। सुनिए, किसी परिवार के सदस्य की तो नहीं, हाँ लेकिन हमारे कुत्ते जेरी की मौत उसके सामने हुई थी। आदित्य जेरी से बहुत प्यार करता था। उसकी मौत के बाद एक हफ्ते तक सही से खाना तक नहीं खाया था उसने। जेरी उसके लिए उसका पेट नहीं, भाई था। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि आखिर ये सब मेरे आसपास क्यों हो रहा है। ये डीमन सिर्फ मेरे दिमाग से खेल रहा है, मुझे बस स्ट्रॉन्ग रहना है। मैं उसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। डॉक्टर, आप ठीक तो है ना? आपका चेहरा इतना बुझा हुआ सा क्यों है? मैं ठीक हूँ, चलो विजिट पर चलते हैं। रिंकी एक एक करके मरीज के वार्ड में जाकर उनसे मिल रही थी, लेकिन आज उसे सारे मरीज उसकी तरफ देखकर वही खौफनाक मुस्कान लिए नजर आ रहे थे। रह रहकर उसे अपने आसपास भयानक चेहरे नजर आते अचानक उसके सामने से गायब हो जाते। उसे बार बार ऐसा लगता कि कोई भयानक आवाज में उसके कानों में आकर फुसफुसा रहा हो। रिंकी लगातार उन आवाजों को और उन चेहरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह आवाज उसकी नियति बनकर उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। बस आज की रात, आज तुझे चलना ही होगा, आज तुझे चलना ही होगा। रिंकी कानों में आती उन आवाजों से पीछा छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल से निकलकर वापस अपने घर की ओर निकल जाती है। पिछले 3 दिन से रिंकी हॉस्पिटल नहीं आई थी। अस्पताल स्टाफ लगातार उसका फोन नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अंत में उसके कॉलीग पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और उसके फ्लैट पर जाकर ताला तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। रिंकी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। पासी में एक चाकू दिखाई दे रहा था। पूरा घर अंदर से अच्छी तरह लॉक था। उसके बाद भी उसके कमरे का सामान बुरी तरह तीतर बितर नजर आ रहा था। कुछ ही दूरी पर टेबल पर रिंकी के हाथ से लिखा एक लेटर रखा हुआ था। इंस्पेक्टर वो लेटर उठाकर पढ़ना शुरू कर देता है। इस चैन में सारे वही लोग मारे गए हैं जिन्हें पहले से कोई ना कोई मानसिक बीमारी रही है।
हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे कमजोर मन पर इस डीमन ने कब्जा कर लिया है। इतने बड़े हॉस्पिटल में अर्जुन ने मेरे सामने अपनी जान दी, क्योंकि सिर्फ मैं ही थी जिसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरे दिमाग पर गहरा असर किया था। उस समय अर्जुन के शरीर पर उस राक्षस ने कब्जा कर लिया था। वो खुद नहीं मरा, बल्कि उस डीमन ने उसे बेदर्दी से मार डाला, और उसके मरने के बाद अब ये कर्स मुझ पर पहुंच गया है। वो बार बार मुझे आकर वार्निंग दे रहा है कि मेरे पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है। अतीत में जो कुछ मैंने देखा उसके कारण मैं पहले ही मेंटली वीक हूँ। पिछले 2 दिन से जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन सच यही है कि आदित्य से ये कर्स अर्जुन तक पहुंचा और अब अर्जुन से मुझ तक। अब वो डीमन मेरे आसपास अपना शिकार ढूंढ रहा है। जैसे ही उसे कोई ऐसा आदमी मिला जिसने अपने किसी करीबी को मरते देखा हो, तो उसे मानसिक रूप से कमजोर इंसान के सामने ही वो डीमन मुझ पर हावी होगा और फिर मेरी जान ले लेगा, ताकि ये कर्स फिर उस व्यक्ति पर शिफ्ट हो जाए। ये उस राक्षस की गंदी चाल है। इस तरह से तो ये चैन कभी नहीं टूटेगी। लोग एक एक करके मरते रहेंगे और इस डीमन की भूख ऐसे ही बढ़ती जाएगी। किसी को तो इसे रोकने के लिए कोशिश करनी ही पड़ेगी। मैंने बहुत सोचा और मुझे ये समझ में आया कि अंत में ये डीमन अपने शिकार को मारकर अपने साथ ले जाता है। अगर उसके मुझे मारने के पहले मैं खुद अपने आप को मार डालूं, तो शायद ये श्राप खत्म हो जाएगा। मेरा अंत निश्चित है। वो डीमन मुझे मारकर इस श्राप को आगे किसी और तक पहुंचाए, उससे पहले मैं लेटा बस इतना ही लिखा गया था। शायद इसके आगे कुछ लिख पाती, उससे पहले ही रिंकी का सामना अपनी मौत से हो चुका था। रिंकी के कमरे में लगे सीसीटीवी में काफी विचलित कर देने वाले दृश्य कैद हुए थे। लिखते लिखते अचानक ही रिंकी डर से जोर जोर से चीखने लगती है। उसके कमरे में इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि उसके बाल हवा में ऊपर की तरफ खड़े हो गए थे। रिंकी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वह घबरा कर अपने चारों तरफ देख रहे थे कि तभी रिंकी पूरी ताकत लगाकर चीखती है और उसके बाद पागलों की तरह पूरे कमरे का सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है। उसके बाल हवा में थे, ऐसा लगता था किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बालों से पकड़ रखा है और घसीट कर उसे कमरे से बाहर ले जा रही हो। अचानक ही रिंकी टेबल पर रखा चाकू उठाती है और उससे अपने हाथों को काट लेती है। रिंकी का शरीर निठाल होकर जमीन पर गिर चुका था। अंतिम बार रिंकी का चेहरा जब सीसीटीवी में दिखा, तब वह डरावने तरीके से मुस्कुरा रही थी और उसके कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई थी। ये केस बहुत ही मिस्टीरियस है। क्या वाकई डॉक्टर रिंकी के ऊपर किसी डेमन का साया था, या फिर वो साइकेट्रिस्ट होकर खुद मानसिक बीमारी से जूझ रही थी? रिंकी की मौत अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गई थी, लेकिन अब देखना यह था कि क्या वाकई श्राप का अंत हो चुका है या डेमन ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है।